हालांकि रहायशी नौजवान लड़की साइमन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मटियारी पहुंची, जहां पर उसने मीडिया नुमाइंदों से एहतजाज करते हुए बताया कि मैं कुछ साल पहले बिटाई की मजार पर भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। दो साल पहले सबा नामी औरत, जो कि असल पंजाब की रहायशी है, जिसने मुझे हाला में शेखों के पास पैसों के एवज भेज दिया, जहाँ पर खतीजा सबा शाहिदा साइमा वाले मुझसे गलत काम करवाते थे और मुझ पर तशद्दुद भी करते थे। उन्होंने मेरे बाल भी काट दिए। जोएब अली मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक साइमा ने यह भी कहा कि दो हफ्ता पहले मैंने इरफान बबर नाम के आदमी, जो हाला का रहायशी है, उसे निकाह किया है, जिसके साथ मैं बहुत खुश जिंदगी गुजार रही हूँ। अब ये शेख बरादरी की ख्वातीन मेरे ससुराल वालों को तंग कर रही हैं कि हमने इसको पैसों की एवज खरीदा है, आप हमें वो 2.5 लाख रुपए वापस करें या फिर साइमा को हमारे हवाले करें। उस सिलसिले में अब मैंने मटियारी कोर्ट में तहफीज की दरख्वास्त दायर कराई है और मटियारी SSP से मुतालबा करती हूँ कि उन ख्वातीन के पास और भी मासूम बच्चियाँ कह दें, उनसे ये गलत काम करवाती है, उन मासूम बच्चों की जिंदगी को रिहा करवा कर उनकी जिंदगियाँ बचाई जाएं।